नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार हुआ जाता है, खेल दुश्वार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है। सोना जरूर बरसता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हम अपने देश को अमेरिका नहीं बनने देंगे। यहाँ अमेरिका की तरह ना बड़े बड़े पूंजीपति होंगे और ना मशीन की तरह काम करने वाले बेचारे मजदूर। आइंदा तुम जो कुछ भी नजर करो हमें जरूर सुना, तुम्हारे लिए हमारे महल के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। नजदीक रहने का मौका दीजिए तो कुछ जांचूं, कुछ परखूं, कुछ तोलूं, फिर बोल। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है, मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। अगर पढ़ लिख कर मैं अपना भला बुरा ना सोच सकी तो हिंदुस्तान की लाखों अनपढ़ लड़कियां मुझ पर थूकेंगी और कहेंगी हमारे मुंह पर तो जहालत के ताले पड़े हुए थे, इसलिए हम चुपचाप कुएं में गिर पड़ी, मगर तुमने पढ़ लिख कर क्या कर लिया। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मुजरिम को पहले जुर्म बताया जाता है, सजा बाद में दी जाती है। आप सजा दे रहे हैं लेकिन जुर्म नहीं बताते। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया। कुदरत की बनाई हुई एक बेमिसाल शख्सियत में जब सुर, संजीदगी और सौंदर्य का खूबसूरत संगम हुआ तो उसे एक नाम दिया सुरैया, जिसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, मजेस्टी, ऑरा। ऊपर वाले ने जैसे ये तीनों ही चीजें उन्हें उपहार में दे दी हों, जिनकी बदौलत सुरैया ने 40 और 50 के दौर में दर्शकों के दिलों पर राज किया, कभी अपने सुरों का जादू चलाकर, तो कभी सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी का जलवा दिखाकर, और कभी इन दोनों ही अदाओं से एक साथ जुड़कर। इसीलिए सुरैया को तीन ऐसे टाइटल्स मिले जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कभी किसी को भी नहीं मिले, और वो टाइटल्स थे मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरन्नुम और मलिकाए अदाकारी। हिंदी सिनेमा के फीमेल सिंगिंग स्टार की परंपरा में सुरैया अकेली ऐसी अदाकारा हुई जिनके लिए पब्लिक पागलपन की हद तक दीवानी थी। हाहाहा, लिखते हैं सबसे ज्यादा हसीन रेणु देवी, नमस्ते। जिस दिन से आपकी कविता पढ़ी है यकीन मानिए पागल हो गया हूँ, आपकी किताबें सुबह से शाम तक पढ़ता रहता हूँ और रात को किताबें सीने पर रखकर सो जाता हूँ। जियो जियो और हमेशा किताबें सीने पर रखकर मरो मरो मरो। जिन बातों को छोड़ देने में हमारा फायदा है उसे छोड़ ही देना चाहिए। साड़ियों में खर्च भी कम होता है, सफाई भी रहती है और देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। मैं तो चली जाती हूँ हशमत, मगर इतना याद रखो कि इस झूठ और बेईमानी के बदले कुत्ते की मौत मरोगी, मांगे पानी ना मिलेगा, पाई पाई का हिसाब दोगे खुदा की बारगाह में। इम्तिहान पास कर लेने से कोई अकलमंद नहीं बन जाता, आपकी बेवकूफियां मैं जानती हूँ, माँ की खुशामद करने से कोई फायदा नहीं। जय हिंद। एक्टर धर्मेंद्र सुरैया के इतने बड़े फैन थे कि उनकी फिल्म दिल लगी को 40 बार देखा था। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। बहुत छोटा पेट है तुम्हारा, मेरा मामू तो पूरी 5 रोटियां खा जाता है और डिकार तक नहीं लेता। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। सुरैया जमाल शेख का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था।
जिसके एक साल बाद पूरी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी फिल्मों में विलन का रोल करते थे। उनके साथ छोटी सुरैया अक्सर शूटिंग देखने चली जाती। एक बार ताजमहल के सेट पर डायरेक्टर नानू भाई वकील की पार की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मुमताज महल के बचपन की भूमिका के लिए सुरैया को सिलेक्ट कर लिया। बाद में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सुरैया ने कुछ और फिल्में की और उनमें गाने भी गाए। 1942 की फिल्म शारदा की हीरोइन मेहताब के लिए म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने जब सिर्फ 13 साल की सुरैया से गवाने का फैसला किया तो मेहताब थोड़ा नर्वस हो गई। तब सुरैया इतनी छोटी थी कि माइक तक पहुंचने के लिए उन्हें स्टूल पर खड़े होना पड़ा, लेकिन उनकी आवाज सुनकर मेहताब की सारी परेशानी दूर हो गई। 1943 की फिल्म इशारा में सुरैया को एक सिंगिंग स्टार के तौर पर पृथ्वीराज कपूर के ऑपोजिट लॉन्च किया गया। सुपरस्टार सिंगर एक्टर केएल सैगल साहब के साथ काम करना किसी भी हीरोइन के लिए बड़ी बात थी। सम्राट चंद्रगुप्त के गाने की रिहर्सल में सैगल साहब ने पहली बार सुरैया की आवाज सुनी और इतने इम्प्रेस हुए कि प्रोड्यूसर जयंत देसाई से फिल्म तदबीर के लिए सुरैया को साइन करने की सिफारिश कर बैठे। के आसिफ की मल्टी स्टारर फूल भी उसी दौरान रिलीज हुई, जिसके बाद सुरैया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1946 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अनमोल घड़ी सोने पर सुहागा साबित हुई, जिसमें नूरजहां और सुरैया दोनों ही सिंगिंग एक्ट्रेसेस ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया और दोनों के गाए हुए गाने सुपर डुपर हिट रहे। मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिलाई, उनको अपने मन की बातें बिना कहे समझाई, उनको अपने मन की बातें बिना कहे समझाई। मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिलाई, जवां है मोहब्बत खुशी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना, जवां है मोहब्बत खुशी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। टूटे हुए तार लिखने वाले की सेवा में बसंती का प्रणाम। जीती रहो, जी चाहता है आज तुझे प्यार कर लूं। हाय क्या क्या गीत लिख डाले हैं, धड़कने बढ़ जाती हैं, सांसें उखड़ जाती हैं, और फिर चोट खाए हुए दिल के लिए तो बिजली का काम देते हैं। ये तूने चोट कब खाई? खाई और आज ही कल खाई। जरा संभलना, ये दिल की चोट बहुत बुरी चोट होती है। बड़े तजुर्बे की बात कह रही हो, खा चुकी हो? ऐसी वैसी बड़ी करारी चोट। जब भी गीतों में इतना दर्द है रानी, लो ये 5 रुपए सदका करके किसी गरीब को दे देना, कहीं नजर ना लग जाए। मन लेता है गड़ाई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है गड़ाई, मन लेता है गड़ाई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है गड़ाई। मेरे दिल को जलाकर खाक कर दिया, मेरी हसरतों का खून कर दिया, और मुझे खबर तक ना होने दी। तुमको मालूम था कि मैं चंद्र से मोहब्बत कर रही हूँ, तुम ये भी जानती थी कि वो सिर्फ तुमसे प्रेम करता है, मगर तुमने मुझसे कभी ना कहा। क्या इसी का नाम दुनिया वालों ने दोस्ती रखा है? क्या भी तुम सखी होने का दावा कर सकती हो? 1946-47 में उमर खयाम और परवाना जैसी दो और फिल्मों में सुरैया को केएल सैगल का साथ मिला। 1947 में रिलीज हुई दर्द में सेकंड लीड होने के बावजूद लोगों ने सुरैया को काफी पसंद किया। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है, और हमीदा उस मंजिल से गुजर चुकी है। अपना बनाया बेगाना हुई, बेगाना हुई, जाती हूँ दुनिया की खबर से टकरा गई है किसकी नजर, मेरी नजर से बेताब है दिल। आप मेरी फिक्र ना कीजिए, खुदा की कसम सुरैया बहन को सुहागन देखकर मुझे इतनी खुशी होगी
जितनी अपना सुहाग देखकर भी नहीं हो सकती। देश के पार्टीशन के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई, जिसका सुरैया को जबरदस्त फायदा हुआ। वो नौशाद, गुलाम हैदर, अनिल बिस्वास जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई। आगे चलकर उन्होंने ज्यादातर वही गाने गाए जो उन्हीं पर पिक्चराइज हुए। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तू, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तू। आगे चलकर सुरैया ने सिंगर्स मुकेश और तलत महमूद के साथ भी बतौर एक्ट्रेस काम किया। माशूका में उनके हीरो मुकेश थे तो वारिस में तलत महमूद। फिलहाल अब वक्त हो चला है सुरैया के कुछ सीन्स देखने का। मेरा सितार तैयार हो गया? आपने बजा कर देख लिया? ठीक है ना? आप खुद ही बजा कर देख लीजिए, मेरे बजाने से क्या होता है। बहुत ये किस सिलसिले में सितार छीन लिया गया है? बदमजाकी के सिलसिले में। आपको सितार बजाने का शौक है तो सितार बजाना सीखिए। कुछ सुर में नहीं मालूम होता। आपको सुर का क्या होश? सितार बजाना तक तो आता नहीं। मालूम होता है कोई अनाड़ी उस्ताद है आपका। बिल्कुल अनाड़ी। आज से मैं उसे छुट्टी दिए देती हूँ, आप सिखा दीजिए। आपने क्या मुझे मिरासी समय रखा है? मैं राजपूत। राजपूत? ताज्जुब, तलवार के बजाय सितार का शौक। जी हाँ, वक्त वक्त की बात हुआ करती है। तो वक्त से फायदा उठाइए और कल से आ जाइए नौकरी पर। क्या ख्याल है? क्यों आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं? सितार ले जाइए। बहुत खूब। कितने रुपए हुए? 16 रुपए 10 आने। विद्या भवन की लड़कियों की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत ही कैसे पड़ी? बोलो, तुम बोलो, तुम बताओ। ये यूं नहीं बताएंगे, तुम सब मिलकर इनकी मरम्मत करो, फिर सब बता देंगे। मारिए नहीं, बताते बताते। आओ मेरे साथ और करो टेलीफोन नन्ने को कि लड़की हमने कमरे पर पहुंचा दी है। घूंघट छुपा सकेगा भला कैसे शोकियां, बादल छुपाए लाख क्या छुपती हैं बिजलियां। विद्या भवन की विद्या, जमींदार हरि सिंह की बेटी विद्या नहीं।
भाग क्यों रहे हैं आप? अभी 2 नहीं बजे हैं। इन दीवारों को वही तमाशा दिखाइए जो ये रोज देखती हैं। भूल जाइए विद्या को और इनाम दीजिए उन लोगों को जो विद्या भवन से बात के लिए बेटी को उड़ाने गए थे। भगवान को नहीं, अपने उन दोस्तों को याद कीजिए जिन्होंने आपको इंसान से हैवान बना दिया है और अब हैवान से शैतान बनाना चाहते हैं। पीजिए शराब, भूल जाइए दुनिया को और इस दुनिया के बनाने वाले भगवान को, भूल जाइए बाप और बेटी के पवित्र बंधन को। बढ़िए आगे। बंद करो ये बकवास, ये मातमी राग, कौन मर गया है जो तस्वीर बहा रही हो? तुम्हारी आत्मा और मेरी तकदीर और इन दोनों का गला घोटने वाली तुम हो। तुम खामोश गुस्ताख, हमारे ही घर में हमारा अपमान, माफी मांगती है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने 12 बरस तक अपनी जबान पर ताला लगाया है, 12 बरस तक तुम्हारे जुल्म से तुमको बर्दाश्त किया है, मगर तुम्हारा पत्थर दिल मोम नहीं होता। इंदिरा, सब्र की हद होती है दीदी, मैंने इल्तिजाएं की तुम्हें रहम ना आया, हाथ जोड़े तुम्हें दया ना आई, तुम्हारे पांव पर सर रख दिया मगर तुमने उसे भी ठोकरे मारी, यहां तक कि मेरे अरमानों की दुनिया उजाड़ कर रख दी और मैं खामोश रही। बेअदब, नजरें झुकाकर बात कर, तू हमारे टुकड़ों पर पली है। इस गुरूर का नशा उतारने के लिए कुदरत की बेआवाज लाठी एक दिन ऐसी बरसेगी कि तनी हुई गर्दन पांव पर धरी होगी। बदतमीज छोकरी, हम तेरी जबान खींच लेंगे, तुमने मेरा जो कुछ बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अब मैं तुमसे नहीं डरती, अब मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तेरी ये हिम्मत, ये मजाल, निकल जा इस घर से। इस घर पर तुम्हारी तरह मेरा भी अधिकार है, मैं नहीं जाऊं। मैं क्या करूं बेटी, ये गांव वाले मेरा दिमाग खराब कर देते हैं, सचमुच कल मुझसे बड़ी भूल हुई। आप बड़े हैं चाचा जी। ये कही मतलब कि तुझसे एक जरूरी काम है बेटा। क्या काम है? इस पर तेरे दस्तखत चाहिए। लेकिन चाचा जी ये तो बिल्कुल कोरा कागज है। तू बस दस्तखत कर दे इस पर, और जो कुछ लिखना है वो बाद में लिख लिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? बेटी, वो शहर में अपनी जमीन जायदाद का कुछ झगड़ा चल रहा है, उसमें तेरी तरफ से दरख्वास्त जानी है। लेकिन मुझे मालूम तो होना चाहिए कि कैसी दरख्वास्त जानी है। बेटी, मैं इन वकीलों की अकल से तंग आ गया हूँ, लिख कर भेजा है कि सिर्फ दस्तखत कराकर भेज दो और जो कुछ लिखना है वो यहाँ लिख लिया जाएगा, और मुसीबत यह है कि अब आने जाने का वक्त भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई धोखा तो नहीं होगा? राम राम, भतीजी के साथ विश्वासघात करके मुझे नरक में जाना है, है? तो मैं कर दूं दस्तखत? ये कही मतलब कि इसमें भी सोचने की बात है, है? ये लीजिए। शाबाश शाबाश। अच्छा, बेटी मैं जाऊं? जाओ बेटी जाओ। जीत जीत जी, इसमें दस्तखत कहाँ है? जिस स्याही से आपने दरख्वास्त लिखाई उसी स्याही से मैंने दस्तखत कर दिए। अच्छा नमस्ते, जीत पंचों का हुक्म जरूर मंजूर करेगी। अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ आ गए, नहीं तो मुझे तकलीफ देनी पड़ती। चाचा जी लाइए वो कोरा स्टैंप जिस पर आप मेरे दस्तखत चाहते थे। जीत, डरिए नहीं चाचा जी, मैं वही करने वाली हूँ जो आप चाहते हैं, मैंने सोच लिया है कि इसी में मेरी भलाई है। ये कही मतलब कि आप सब मेरे चाचा जी को तो अच्छी तरह जानते ही हैं, मेरे पिताजी की सारी संपत्ति आज तक यही संभालते आए हैं, पर अब लालच ने इन्हें अंधा कर दिया है। ये क्या कह रही तू? ये क्यों नहीं कहती कि विजय के पीछे तू अंधी हो रही है? लेकिन इस अंधी को इतना जरूर सूझता है कि मेरे चाचा तिजोरी के रुपए गिनते गिनते तिजोरी के मालिक बनने के लोभ में पड़ गए हैं। योगिन, सब लोग बाहर गए हैं, चलो हम भी बाहर चले। क्या करती हो? Ah!
जोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे, और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। What an aura man! No wonder सुरैया को लोग फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार कहते थे। सिंगर एक्ट्रेस सुरैया का बाकी सफर हम तय करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। उनकी लैंडमार्क फिल्मों के अलावा बातें करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ की। किस एक्टर के साथ उनकी हो गई अनबन, किस एक्टर के साथ उन्हें हो गया प्यार, मैं जानती हूँ आप जानने के लिए हैं बेकरार। बस अगले एपिसोड का करिए इंतजार। तब तक मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। अब कैसे मनमानी बाबू, अब कैसे मनमानी, अब कैसे मनमानी बाबू, अब कैसे मनमानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी। गिट पिट क्या करते हो टाई हैट लगा के, गिट पिट क्या करते हो टाई हैट लगा के, देश को ना बदनाम करो तुम देश का पैसा खा के, देश को ना बदनाम करो तुम देश का पैसा खा के, अपने देश का बाना पहनो बोलो अपनी बानी, अपने देश का बाना पहनो बोलो अपनी बानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी।